हर आदमी लीडर के पास जाता है तो अपने भाई की बुराई का बयान करता है अच्छा होने के लिए, हालांकि वो बुरा हो जाता है। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث खाकी बदन गुनाह की खाकी बदन गुनाह की फितरत लिए हुए खाकी बदन गुनाह की फितरत लिए हुए फिर भी खड़ा है आपकी मिदहत लिए हुए फिर भी खड़ा है आपकी मिदहत लिए हुए लब है नबी के नाम की लज्जत लिए हुए लब है नबी के नाम की लज्जत लिए हुए दिल है हुजूर दीद की दिल है हुजूर दीद की हसरत लिए हुए दिल है हुजूर दीद की
हसरत लिए हुए पढ़ता रहूं दरूद में हर एक सुबह शाम पढ़ता نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انفق يا بني آدم انفق إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل المؤمنين كالرجل واحد او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا معزز علماء کرام عبائدین شہر اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ہما قسم کی حمد و ثنا تمام جہانوں کو بنانے اور پالنے والے اس ایک رب العالمین کے لیے ہے لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حضرات آج تقریباً تین موضوع مجھے دیے ہیں مختصر میں اس پر بات رکھتا آگے چلوں تینوں موضوع اسلام کے
अहम जिम्मेदारियों को बताते हुए इस तीनों रुकून को अगर हम लोग अपनी निजी जिंदगी में ला लें इंशाअल्लाह सुभानहू ताला हालात कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हो, साजिशें करने वाले कितने भी साजिशें कर रहे हो, हम तवक्कल अल्लाह से इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात से आगे बढ़ते हुए उन हालात का सामना करते फतेह की तरफ हम जा सकते हैं। मौजूद हज़रात, पहला जो इन लोगों ने मौजू में यह दे रखा है खिदमत खल्क के ताल्लुक से, आजकल मुसलमान माशरे के अंदर अल्लाह ने जो माल दिया किस लिए दिया और उस माल का खर्च करने का तरीका क्या, ये इल्म होने के बावजूद ना इल्मी की वजह से कुछ लोग इस तरह से खर्च कर रहे हैं कि वो खर्च करने का अंदाज अल्लाह की जमीन पर शायद मैं ही मालदार हूं इस तरह से लोग मेरा इज्जत करें, मेरे ताल्लुक से इस तरह का तारुफ रखे, इस ख्याल से अक्सर हम में से खर्च करने वालों को मैं देखा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, लोगों तुम्हें जो माल और औलाद दी गई ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है, एक निके की महफिल हो या वलीमे की महफिल हो, बालिश पेड़ इस किस्म के चीजों को रख कर अपनी शान जताने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर फरमाया सूरह बनी इसराइल में वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़िरीन काना इख्वान शयातीन, लोगों तुम फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। खर्च किस तरह से हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में जिनके जिंदगियां हम तमाम मुसलमानों के लिए मिसाल बन गई, उन सहाबा की जिंदगी को देखिए, उनके खर्च करने का तरीका देखिए, पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को उसके आईने में देख लेंगे तो हम क्या हैं वो क्या थे। इसीलिए हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा वो मुअज्जज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार ही खार हैं तारीख कुरान होकर, कुरान को छोड़ दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिए, तालाब में कसीर है लेकिन इज्जत में दूसरे नंबर के शहरी बनकर रह गए। हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान में मुख्तसर तादाद में थे, 800 साल से ज्यादा यहां हुकूमत किए, आज 25% रहने वाली यह कौम गुलाम की जगह से भी बदतरीन जगह बैठने की हैसियत कमा ली है। क्या वजह क्या क्या? एक मर्तबा एक साहिल एक जरूरतमंद आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर अपना सवाल रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर तिजारत की सलाहियत है लेकिन मेरे पास जो है उस जरूरत को पूरे पर करने की कोई दौलत नहीं है, माशी कोई निजाम नहीं है, अगर कोई मेरी मदद कर दे तो मैं इंशाअल्लाह सुभानहू ताला तिजारत में अल्लाह देने अल्लाह की तरफ से जो बरकत मिलेगी उस बरकत से मैं उस पैसे को वापस भी कर दूंगा, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया तो ज़कात के जरिए से दूसरे जरूरतमंद को जो है मैं इस पैसे के जरिए उसे भी ताजिर बनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए आप उनके घर जाइए,
जाकर जो है अपनी जरूरत उनके सामने रखिए, वो आपकी जरूरत पूरी करेगी। खाने की कोई चीज कहां है झांक कर देखे तो भी नहीं दिख रही। उसके बाद मैं हमारे साथ आए हुए एक साहब खैर से कहा, इनसे बात करने से पहले जो है इस घर को अनाज भेज दीजिए, एक महीने का अनाज भेज दीजिए, फिर जाकर इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि औरत मुर्तद होने के करीब थी, चर्च जा रही थी, अब मुर्तद हो जाएगी, इस तरह का माहौल था। तो वहां गए, जाकर जो है उस औरत से दूसरे दिन मिले तो औरत कहने लगी कि मुझे ये आलम है, मेरे घर में चलता नहीं है हजरत, घर में किसी के घर में काम करी तो भी मेरे बीमार शौहर की दवाइयाँ और एक दो बच्चों का खाना निकल जाता, बाकी नहीं निकल रहा। मैं चर्च जा रही हूँ, वो लोग रेशन और तेल देते हैं। हकीकत में बाइबिल में इस तरह की तालीमात है नहीं, क्योंकि बाइबिल में जानता हूँ उससे ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के तरीके को अपना लिए, हमारे अपने मुसलमानों को काफिर बनाने पर वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मुसलमान हैं अपने मुसलमानों के ईमान बचाने के लिए अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। सोचिए मेरे भाई, एक मरतबा वन टाउन सीआई जो है मुझे बुला भेजकर कड़पा की लाश में एक मुस्लिम लड़की धंधा करती हुई मिल गई। वो जानता था कि हम लोग समझाते हैं बुरा है, अब समझाइए। उसका भी वही मामला, बाप नहीं है, माँ बीमार है, तीन चार बहनें ही, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं एक आदमी मेरे बदन बेचकर मेरी दूसरी बहनों की शादी करना चाहती हूँ हजरत, इस वास्ते में धंधा करूँ। शादी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं माँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली शादी आसान से हो सकती है, कौन मर्दवाना है मेरे बहनों के साथ शादी कर लिया, मैं अभी धंधा छोड़ रहा हूँ। हजरत, ऐसे गलत रस्म और रिवाज हम लोगों ने बना लिए, लेन देन के मसाइल, शान शौकत से शादियां करना जो मालदार करते हैं, इनकी काफी करने में गरीब लाखों रुपए उधार में ले लेते हैं। कई रेडियो की यहां हमारी औरतें वड्डी बन सकने के बगैर वो उनके बिस्तर का हिस्सा बन गई, लेकिन हमारे पास जो माल है हम समझ रहे हैं कि हमारे शान शौकत के लिए है। सोचिए मेरे भाई कि माल जो दिया गया वो आपके लिए इम्तिहान है, यही वो माल है तुम्हें जन्नत भी ले जा सकता है और जहन्नम भी पहुंचा सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में एक मकाम पर ज़कात के ताल्लुक से हुक्म देते हुए कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा तुम्हें ये मोहब्बत माल से है तो अल्लाह ताला वो यस्तबदिल खौमन ले रखो, तुम्हें अल्लाह ताला हटा देगा, तुम्हारी जगह किसी और कौम को हिदायत देगा, वो तुम जैसे कमजोर नहीं होगा। तो सोचिए मेरे भाई कि माल को खर्च कर रहे हो तो क्या तुम्हारे माल से किसी गरीब का पेट भर रहा है, जरूरत पूरी हो रही है, यानी कोई आदमी गुनाह से बच रहा है या नहीं, ये चीजों को जायजा लीजिए। गुर्बत जो है आदमी को कुफ्र करने पर मजबूर करती है, गरीबी आदमी को काफिर बनने पर मजबूर करती है। अक्सर जो लोग जिहाद के नारे लगते हुए बच्चों को अवेयर करो, उनको ऐसे रख, अरे पहले मर्द वाला तू पैसे लेकर शादी करने वाला बैल मत बन, संते में बैल भी के नाथ बिकता, बेचने वाला बाप भी शर्म लेसर का बेचता, तू भिकना बनकर तेरी मुस्लिम बादशाह भारती क्या दूसरे से देखेंगे, तुम मर्द वाले नहीं रहे, तुम संते के बैल बन गया, तुम्हारे माँ बाप तुमको एटीएम समझकर पाल रहे, बैंक डिपॉजिट करते हैं तुम्हारे ऊपर, ये तुम कमाने या तिजारत करने, और उसके जरिए से जो माल आता है वो माल लड़की वालों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चियां ही जो मुर्तद होने में ये भी एक जरिया है। सोचिए मुझे, आजकल जो भी तंजीमें छोटी मोटी काम करती हैं उन तंजीमों की मदद आप नहीं तो कौन करेगा, क्या हुकूमत करेगी? हुकूमत को क्या जरूरत है? हुकूमत आपका पैसा, 9 लाख एकड़ जमीन का पैसा जिसमें से आप पर 10% भी नहीं खर्च करती है,
उल्टा आपको हमारे टैक्स खाने वाले बोलकर बताते हैं। एक एकड़ पर आमदनी लाखों करोड़ों की है, तो लाखों करोड़ों की आमदनी में से हमें 10% भी नहीं खर्च करते। किसी आलिम को तनख्वाह दे रहे बोले तो किसी के टैक्स को निकाल को दे रहे बोले समझते हैं। आपके औकाफ की जमीनों की आमदनी से वो खा खा कर थोड़ी सी डकार आपकी तरफ छोड़ रहे, और हम समझते हैं कि कोई ताज रख दिया तो हम लोगों को समझना चाहिए कि माल हमारा कहाँ खर्च हो रहा है, कि हमको कहाँ खर्च करना है। अभी सुनकर मैं परेशान हुआ कि यहाँ के एक इलाके में लोग जो है इर्तदाद का शिकार है, मुर्तद है, चर्च जा रहे हैं। हमको समझ जाए कि हमारे मिशन को ले आना है, हम काम करेंगे, हमारी टीम है, हम काम करते हैं, हमको किसी से अल्लाह के सिवा किसी और से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही लोगों में काम करते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, अपने माल को सही खर्च कर दिए, या खुद जाकर खर्च नहीं कर सकते, जो आपके पास नहीं पहुंच सकते, दरमियान में कोई जरिया बनकर जाकर उन पर खर्च करता है आपकी तरफ से, उतना ही सवाब आपको अल्लाह दे देगा जो आप खुद जाकर खर्च करने पर आपको सवाब मिलता है। उन तंजीमों को, उन इदारों की मदद कीजिए, उनका ताउन कीजिए। मौजस हजरात और मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि इत्तेहाद पर बात रखिए। शुरू में ही हमारे साथी ने जो है सूरह आल इमरान की एक आयत तिलावत की थी, कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर इत्तेहाद की बात होती है। वह अतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफरक, लोगों तुम अल्लाह की रस्ती को मजबूती से थाम लो, फिरकों में ना बनो। और फिरकों में मुराद यहाँ पर हमारे अपने साथी ये समझने लगते हैं इख्तिलाफी मसाइल फिरके का एक हिस्सा है समझते हैं। अनंतनाग हेगड़े बेंगलुरु का एमपी, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लास्ट असेंबली इलेक्शन से पहले वो एक मीटिंग में एक बात बोला, हमारे दुश्मन ईसाई हैं जिनके चर्चस को जलाना है, जिनसे लड़ना है, क्योंकि वो बुनियादी अकीदे में इख्तिलाफात रखते हैं। उनके पास खुदा के ताल्लुक से जो अकीदा है, अकीदे सुलासा, सुलासा में भी यानी तीन खुदाओं का जो तीन, एक एक तीन का जो मसला है, उस सब्जेक्ट को बोलूं तो वही कुछ घंटे लग जाए, वो आपको समझ में भी नहीं आती। सुलासा है क्या बोले तो तंड्री कुमार परशुद्धात्मा एक जना बोलता, तंड्री तल्ली कुमार परशुद्धात्मा एक जना बोलता, तंड्री तल्ली कुमार मरियु जोसफ कर को भी जना बोलता। इस तो मुख्तलिफ 70 पर तीन अकायद रखने वाले कौम, इनको वो तुम्हें दुश्मन माना। वो कहता है इतने सारे अकायद के बाद ये पूरे के पूरे ईसाई अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए ईसा अलैहिस्सलाम सुलेख पे मर गए, ये बात पर ये एक है। मुसलमानों को, पूरे मुसलमानों को, आप जो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, सुन्नी कह दे, अहले हदीस कहिए, शिया कहे, कोई भी कहे, सबका अकीदा एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल, एक आखिरत की फिक्र इनके पास है। लेकिन ये इख्तिलाफी मसाइल में इतने उलझे हुए हैं, इन्हें छह अगर छोड़ दो ये आपस में एक दूसरे का कत्ल कर लेंगे, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, इनको छेड़ दो बस आपस में कत्ल कर लेंगे। इनका ये मामला है, इतनी कमजोर कौम है मुसलमान, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपस में लड़ेंगे। वो जानते भी हैं, इसीलिए बोर्ड का जो मामला हुआ इसमें जो कोजा कम्युनिटी अंदर लाई जा रही है कि कौन है, शियाओं का एक हिस्सा है, खादियानी मुत्तफ़क़ुन अलैह काफिर, लेकिन उसे मुसलमान बोलकर वो हमारे अंदर पेश कर रहे हैं। हमारी बात वहां उलझाने के लिए की जा रही है, असल मकसद अलग है। तुम्हारे 1300 मस्जिदें मदरसे पूरे तोड़कर तुम्हें मोमिन से काफिर बनाना असल ये मकसद है। ये मकसद के सामने तुम्हें फिरकों में बात कर, तुम्हें प्लानिंग देकर, मशाई बोर्ड के नाम पर एक तरफ तुम्हें बुलाकर, नहीं नहीं जो भी फैसला हो रहा है अच्छा बोलो, बोल दिए बुनियादी बातों पे जो इत्तेफाक है वहां आप क्यों नहीं एक होते। अल्लाह खुद हुक्म दिया, सूरह अनफाल पढ़िए, अल्लाह ताला कहते हैं
अगर तुम इख्तिलाफात में पड़ गए तुम्हारी हवा निकाल दी जाए और तुम कहीं के नहीं रहोगे। सूरह फतह के आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपके सहाबा वो काफिरों के ताल्लुक से मुतशद्दिद हैं, शदीद हैं और आपस में एक दूसरे के ताल्लुक से रहम दिल हैं। क्या हमारा ये मामला है? हम किसी काफिर के लिए अपने भाई को मार देंगे, उसकी ताईद में हमारे भाई को मार देंगे, इतने गिरे हुए हैं। आप लोगों को मशहूर वाकया कई बार आप उलमा से सुने होंगे, मजे लिए होंगे। जंगे सिफीन के बाद हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो सीरिया की तरफ चले गए, सीरिया और जोर्डन के दरमियान हिस्से, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारस में रहे। रोम का कैसर जिसे अंग्रेजी हजरत जो है सीजर के नाम से बुलाते हैं, रोम का कैसर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से खत लिखा, ऐ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हजरत अली पर हमला बोल दीजिए, हम 300,000 फौज जो है हम रोम से भेज देंगे और उनका कत्ल करवा देंगे, आपको अमीरुल मोमिनीन बना देंगे। आज भी यही होता है, पार्टी में आपको पोस्ट दिया जाएगा, तुम्हारे अपोनेंट जो है हमारे ताल्लुक से रखते उसे कत्ल कर दीजिए, आपको चेयर पे बिठाया जाएगा, हम मुसलमान कर देते हैं आज। लेकिन हमारे अकाबिर इस तरह से नहीं थे, हमारे असलाफ इस तरह से नहीं थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खत का जवाब लिखा, आए दुश्मन इस्लाम, तू अगर बुरी नजर भी हजरत अली की तरफ देखता है तेरे गर्दन काटने वाली पहली तलवार मुआविया की होगी। हालांकि दोनों के दरमियान जो जंग हुई 30,000 सहाबा का कत्ल हो गया, ऐसी जंग हुई। और जब बात काफिर के तरफ से दावत आई तो काफिर को जवाब दिया जा रहा है, तेरी गर्दन ये निगाह बुरी देखा अली की तरफ तो काटने वाली पहली तलवार मेरी होगी। लेकिन हमारा जो मामला है सियासी मफाद के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, आपसी अख्तिलाफात के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मुंतज़िमीन की तरफ से एक ऐलान है, इशा की नमाज के अदायगी यही होगी और उसके बाद जो है ताम का भी खाने का भी इंतज़ाम है, जितने भी मेहमान यहाँ शिरकत किए हैं तमाम लोगों के लिए यहाँ खाने का इंतज़ाम। तो हजरात आज के इख्तिलाफात के अंदर मस्जिदों पर भी हम नाम अपने जमातों के लगाना शुरू करें जबकि वो अल्लाह का घर है, आपसी अख्तिलाफात को बुनियाद बनाते हुए अपनी तंजीम अपनी जमात के नाम से मस्जिद बुलाई जाती है। और आप लोगों को वाकया मालूम होगा कि वैजाक में एक बार ईद की नमाज को झगड़ा हो गया, ईद की नमाज को सीए खड़को जो चेत लेते वाड़िया चेत दिनचे वाड़िया आपसी अख्तिलाफात जो बताई नो एटे अटमो नो एटे अटमो अरे अटमोरा अरे तुरे में बात कर रहा, ईद की नमाज मुसलमान जिल्लत से पढ़े हैं, वजह आपसी अख्तिलाफात। अख्तिलाफात क्या सहाबा के अंदर नहीं थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान भी अख्तिलाफात थे। हज के मौके से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहर की नमाज की इमामत के लिए ठहर गए क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे, तो आप जो है उस वक्त 4 रकात नमाज पढ़े मीना के अंदर। फकीह कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे थे, वो कहने लगे कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ही रकात पढ़े हैं, आप 4 पढ़े हैं। और वो मुस्कुरा के निकल गए। फिर असर का वक्त हो रहा है, फिर इमामत के लिए वही उस्मान गनी आ रहे हैं और वहाँ ठहरे हुए अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फिर नमाज में जमात में शिरकत होने आ गया। साथियों ने कहा कि आपने जोहर में इस तरह का ऐलान किया, अब भी शायद वो चार ही पढ़ाएंगे, आप अलग से पढ़ ले सकते हैं ना। मैंने सुन्नत का ऐलान किया, मैं कुरान के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की और तुम में से जो अमीर बनाए जाए उसकी इताअत करो, वो फर्ज है। तो मैं उस फर्ज को अदा करते हुए मैं उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए आ गया। वो कितने रकात पढ़ाते वो उनकी जिम्मेदारी, वो अल्लाह वाला। फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लोगों ने पूछा कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ही रकात पढ़ाए थे, आप चार क्यों पढ़ाए? क्यों? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल उकबा के बाद दूसरा जो बैत हुआ मदनी सहाबा के साथ, उसमें आपने ऐलान कर दिया मक्का को, मैं अलविदा कह रहा हूं, मक्का मेरा शहर नहीं, मदीना मेरा मुकीम शहर होगा, मैं वहां का मुकीम होगा। क्योंकि वो मुसाफिर मक्का को आए थे, इसीलिए यहां सफर की नमाज पढ़े गए। मैं मक्का का भी हूं, मदीना का भी हूं, वे मैं यहां का भी मुकीम हूं, मैं वहां का भी मुकीम हूं, मैं इसलिए यहां चार रकात पढ़ता हूं। इख्तिलाफात थे और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दोनों को भी बहुत सारे मसाइल पर इख्तिलाफात है। एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं सफर के लिए घोड़े पे सवार होकर निकले, रास्ते में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, मिलकर जो है सलाम करते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कहाँ जा रहे हो मालूम? जाकर घोड़े की नकील पढ़कर चलने लगे, नाल बोलते नहीं, वो पकड़कर चलने लगे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा, आप तो अहले बैत हैं, आप मेरी नकील पढ़कर चल रहे, मेरे रसूल ने मुझे ये सिखाया कि इल्म वालों की इज्जत करो। तो फौरन अब्दुल्लाह बिन मसूद भी घोड़े पर से उतर गए। वही रसूल ने कहा कि हुब्बत अहले बैत मेरी हुब्बत है, मैं इसलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इख्तिलाफत बाकायदा था, इत्तेहाद जरूरी है मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, एक एक लकड़ी देते गए, तोड़ो बोले तोड़ दिए, लकड़ियों का पूरा एक गट्टा बनकर हाथ में, अब तोड़ो, तोड़ नहीं पाए। इख्तिलाफात हमारी फितरत में है। आदमी को जितना इल्म हासिल हो गया वो समझता कि मैं बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन इल्म दरिया है, उसमें से हमने बहुत सारे लोगों को जो मिला है बहुत छोटा इल्म है। और भी सीखने वाला मत रखिए, इल्म की बुनियाद पर दुश्मनियां मत रखिए, सामने वाले की इज्जत कीजिए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिस मरकज में पढ़ा रहे थे, दोनों का दौर अलग है, बाद दौर में वो उस मरकज के पास आए। आने के बाद वहाँ के इमाम साहब जो है हजरत शाफी रहमतुल्लाह अलैह देख लिए, वक्त इमाम हैं, देखते ही फौरन जो है आपको इमामत के लिए आगे कर दिया। हम में से आज बहुत सारे कोई इल्म वाला भी आ जाए, मैं जाहिल हूँ, उस इल्म वाले को खदर करते हुए ऊपर बिठाकर उसको नमाज पढ़ाने की तरफ तवज्जा देने के बजाय उसकी जमात की बुनियाद पर, उसकी मतलब फिक्र की बुनियाद पर उसे आगे नहीं बढ़ाता। मेरे अलीफ और आइन में फर्क होना होगा, मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि वो मेरी जमात का नहीं है। यहां देखिए हजरत शाफी रहमतुल्लाह अलैह को सामने कर दिया गया। जो इमाम साहब थे, इमाम अबू हनीफा के पास दो दो बार तकबीर बोलते हैं, तो ये इमाम शाफी पढ़ा रहे, इसलिए जो इमाम साहब मुअज्जिन बन के ठहर गए वो एक एक बार तकबीर हुए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मगरिब की नमाज थी, वो आमीन बिन ज़हर में बोले, रफ़ेदेन भी नहीं किए। लोगों ने दोनों से सवाल किया, आप हनफी हैं, आप क्या जी एक एक बार बोला नहीं? भाई वक्त के इमाम है, कदर करो, वो भी जो हदीस पर अमल कर रहे हैं वो भी सही होगी, अल्लाह जिससे राजी जिस हदीस से होगा होगा, हमें क्या लेना देना। तो फिर इमाम शाफी ने कहा, मैं
इमामों के सरदार के मकाम पर पढ़ा रहा हूँ, अगर वो गलत है बोले तो मैं भी गलत बन जाऊंगा, मैं इसलिए उस हदीस पर भी अमल कर ली जो वो अमल कर रहे थे। ये तरीका है, इख्तिलाफात होने के बावजूद भी इत्तेहाद बनाने का तरीका है। ये छोड़िए, आज के काफिरों की पार्टियों के गुलाम बन गए लोग हैं हम लोग, बहुत सारे काफिर हमारा लीडर, हमारा इमाम, हमारा नौकर, सही बोलो नौकर नहीं, नायब जो मौजन रहता उसे तो लेटिना धोने वाला बनूंगा, उन्होंने लेटिना धोने वाले इन आए तो उनको हमेशा कौन का हमारा जिम्मेदार आया तो उनको पढ़ने वाले नौकर बनाती इमाम को। इमाम हमारा लीडर होता है, इमाम का माना लीडर। आप काफिर को लीडर मानते हैं, एक बार हमारे मुसलमान लीडर एक लीडर के बारे में बोले सर आप हमारे इमाम हैं, बोल दिए एक काफिर को, उन्हें हमारे इमाम, जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह पर ईमान रखने वालों से नफरत करता, उन्हें हमारा इमाम। दोस्ती रखो काफिरों से, लेकिन इतनी ज्यादा मत रखो वो तुम्हारा राजगार बन जाए। तो कुरान में हुक्म नहीं है यहूदी और बुतपरस्त, ये आपके ताल्लुक से बहुत जबरदस्त दुश्मनी रखते हैं, कितना भी तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो वो तुमसे दुश्मनी रखता है। तुम तौहीद परस्त हो, मरने तो जनाजे की नमाज को भी चले जाते हो, लेकिन तुम उस काफिर के लिए हमारे भाइयों का कत्ल कर देते हो। किसी ईमान वाले का कत्ल कितना गुनाह है मालूम आपको? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत सारी जंगों में अमीर बनाकर जो है काफिले को आगे बढ़ाते रहे। असलम के आखिरी वक्त की जंग के पहले की बात बोलूं, उस जंग में दुश्मनों से जंग हो रही थी, वो जंग में सरदार जो था दुश्मनों का उसकी तलवार गिरने के बाद कलमा पढ़ लिया। एक सहाबी जो है तलवार उठाने के बजाय रुक गए, उसामा बिन ज़ैद समझे कि ये बचने के लिए पढ़ रहा है, खतल कर दिया। ये वाकया दूसरे सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, कलमा पढ़ा था भाई जब तक जंग लड़ता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उसामा तुम किस लिए खतल किया? उसामा बिन ज़ैद कहने लगे कि वो बंदा जो है बचने के लिए कर रहा था, जब तक उसके हाथ में तलवार थी हमको खतल करने के लिए लड़ रहा था। उसामा दिलों में झांकने वाला इल्म तुम्हें कहां से मिल गया? उसके ईमान को तुमने कहां से जांच लिया कि वो ईमान झूठा ईमान वाला था? अगर कोई ईमान वाले का कत्ल करता है उसे जहन्नम जाएगा, और किसी के लिए जाकर मार देते हो? सोचिए मेरे भाई, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आती आओ मैदान में बोले तो ये कहना नहीं आता, लड़ना किसके लिए है? अल्लाह ताला सूरह तौबा में नहीं बोला, 25वीं आयत पढ़िए, 24वीं आयत पढ़िए, क्या बोलता अल्लाह ताला? तुम्हारे बाप, तुम्हारे बीवियां बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा माल, तुम्हारी प्रॉपर्टियां जिसमें घटने से तुम्हें दर्द होता, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा अफजल है, तो तुम फासिक हो, इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का। जहां वहां जरूरत होती वहां भागो, जहां मारने से जहन्नम जाती वहां जाओ मार को जहन्नम चल जाओ। कैसा मामला है? कुरान क्या आयत है? इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम, ईमान वाले एक दूसरे के भाई भाई हैं, कोई मसला आ गया तो वो सुलह के जरिए भाइयों को मिला देते हैं, ये काम करना चाहिए, सुलह कीजिए। कोई इख्तिलाफात है दोनों के दरमियान में बिठाकर सुलह करके मिला दीजिए, मिलाने वाला भी जन्नत, मिल जाने वाले भी जन्नत को चले जाएंगे। सामने खतल हो रहा है, आप उस खतल को फिर भी तायद कर रहे हैं क्योंकि अपने पार्टी वाला कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह है सोचिए आप। और वहीं पर शराब नोशी हो रही, कल एक स्कूल में सीरत के मसले में वो तबली में एक स्कूल गया, वहां के टीचर मुझे बता रहे थे 7th क्लास से 10th क्लास के बच्चे गांजा पीते हैं। आपका ईमान कहां गया? हदीस क्या है? मन रहा मिनकुम मुनकर फलयुगय्यिर बियदिही, जब भी कोई बुराई देखते हो
हाथ से रोकने की हिम्मत है, हाथ से रोक दो। हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं, जबान से बोलने की ताकत रखते हो, कम से कम बच्चे बुरा बेटा मत कर, बेचने वाला है समझा तू, इतनी कौम को जहन्नम ले जाने वाला बन गया, उनके सेहत को नुकसान करने वाला बन गया, तू कहां जाता रहे जहन्नम चल जाता रहे, आमदनी के कई जरिए ये क्या व्यापार लेकर बैठा, समझा दे नहीं। आगे बोलते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि तुम्हारे पास वो भी ताकत नहीं, बोलने की जबान भी नहीं, मार डालता बोल को डर है कि बुरा कर रहा है, बोलो तो दिल में सोचो क्या भी नहीं हो रहा उसका पेपर ले रहे करेंदे को तुम्हें बोलते हैं तुम मुस्लिम नहीं हो सकते काफिर हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, हदीस बोलती जालिका ज़ाइफ ईमान, दिल में बुरा भी नहीं समझा जबान से भी उसकी ताइद कर रहा है वो ईमान वाला हो नहीं समझा। ड्रेस कोड से कोई मुसलमान नहीं बनता, अमल से मुसलमान बनता, अमल की जिंदगी पर आ जाएगी। इत्तेहाद कैसे आता, अक्सर इत्तेहाद पर जब बयान होता मैं जिस जमात से ताल्लुक रखता हूँ मेरी जमात के तल्ले सुलझे में आ गए तो इत्तेहाद आ जाता बोलकर हम में से अक्सर का ख्याल है, ऐसा नहीं है। हर एक जो हम में से कितनी भी जमातें काम कर रही हैं अपनी अपनी सलाहियत जिसमें है उसमें वो महारत है वो उसको काम करें, कोई खिदमत खल्क पे काम कर रहा है, कोई रिफाई कामों में साथ दे रहा है, कोई इल्म के दसगाहों में काम कर रहा है, कोई कौम की इस्लाह के लिए मजालिस जमा कर उनकी इस्लाह कर रहा है, कोई रोज़ जमातों के अंदर जाकर तीन तीन दिन 40-40 दिन जाकर लोगों को नमाज की तरफ दावत दे रहा है, कोई शिर्क व बिदअत की रद्द में काम कर रहा है, हर एक की अपनी सलाहियत है। सामने वाले की सलाहियत पर सराहिए, उसकी खामियों को ढूंढते हुए लड़ने लगोगे तो दूसरे मारने की जरूरत नहीं तुम खुद मर जाओगे। सोचिए मेरे भाई, इसके इख्तलाफात के बावजूद जैसे साहबा एक थे अभी एक हो जाइए, एक हो जाइए। जैसे आप एक हो जाएंगे वो कौमें जो तुम्हारी तरफ अब तुम ना दूसरे नंबर की शहरी बोलकर देख रही है उनकी आंखों में आंखें डालकर ईमान वाले की एक निगाह थर्रा जाता काफिर, तुम्हारी वैसी निगाह बनाना है तो मुत्तहिद होकर बताइए। कई से मसाइल हमें करने में झेल लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, होकर जब ऑफिसर एसपी भी क्यों ना हो आंखों में डालकर दम उठे कुछ उद्दम करेगा, वो ताकत कहां से आती, अल्लाह से डरे तो आती है, लीडर से डरे तो नहीं जाती। लीडर की गुलामी से जन्नत भी नहीं मिलती आखिरत भी नहीं मिलती दुनिया भी शायद नहीं मिलती, चंद दिन में तुम्हारी सलाहियत खत्म हो तो और एक चमचे बुला लेता हूं। समझिए इस चीजों को समझकर थोड़ा मुत्तहिद होने की कोशिश कीजिए, इख्तलाफात को बाजू में रखिए। उसी तरह मैं सुना हूं कि हम जितनी भी तंजीमें बैठी हुई हैं ये कोई खून के डोनेशन के जरिए काम कर रहा है, कोई इल्म की दरगाहों में काम कर रहा है, कोई खिदमत खल्क में काम कर रहा है, कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। आप एक आदमी मत समझिए, आप एक मिशन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मिशन लेकर आप उठे हैं। सलाहियत तिजारत में कोई ताजिर है, अब हमारे अमेरिका में मेरे दोस्त हैं वो सुनार ही, मैं सुनार नहीं, मेरी तिजारत अलग, मैं भी सुनार ही बनना तो मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं, सोने को परखने की ताकत ही नहीं, मैं भी सुनार बनना उनके ऐसा बन जाना तो नहीं होता। जिसके अंदर जो सलाहियत है वो खुश पड़िए, अल्लाह आपको वो सलाहियत देकर आपकी इज्जत बख्शा, क्योंकि समाज के पूरे काम मुख्तलिफ लोगों में बढ़ गए तो होते, पूरे की जरा करना तो नहीं होते, पूरी जिम्मेदारी जमात ले लेना तो नहीं होते, छोटी छोटी जमातें भी आपके लिए काम करती है, क्योंकि अल्लाह ताला छोटी छोटी जमातों के जरिए बड़ी जमात पर गलबा दिया काफिरों की, बड़े बड़े कैबिनेट थे तो हजारों की तादाद में नहीं थे, छोटी छोटी तंजीमें जमातें रहने के बावजूद भी आप मुत्तहिद हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए अल्लाह ताला आपके लिए वो मामला तय कर देगा कि आपके लिए वो फतेह के रास्ते खोल देगा और वही इज्जत देगा जो सहाबा को अल्लाह ने दी, शर्त है कि सहाबा का रास्ता सहाबा वाली जिंदगी ला दी। आखिरी पैगाम अमन जो बोले ही वो पैगाम अमन इसी में आ गया, असल पैगाम अमन क्या है इसको जानिए, पैगाम अमन हमारे यहाँ हम सब जिन जाना ये पैगाम अमन समझते हैं। रास्ते में नाला निकाल को दौड़ लगी, मिसाल देता हूँ समझिए, नाला निकाल को दौड़ लगी
कचरा पड़ा हुआ है, नाले का पानी जाता है, नाले का कचरा है, आप जो है समझ रहे हैं कि मैं इससे बचकर निकल गया तो शायद मेरे घर साफ है, मेरे घर में तो नाले का पानी नहीं है, बोलकर अपने घर में सुकून से है। आप ही के घर का मासूम बच्चा वो कचरा खुदल कर घर में आ गया, क्या होता जी? कीचड़ तुम्हारे घर में आ गया, आता नहीं आता। जो कुफर शिर्क आप बाहर देख रहे हैं, ये जितने भी आपसे नफरत कर रहे हैं सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर, वो तौहीद उनकी भी है भाई, वो रब्बुल आलमीन उनका भी है। आप रब का तारुफ कीजिए उन लोगों को, ये तेरा रब है, बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है ये उनको बताइए, कुरान हुदन लिन्नास है ये उनको समझाइए। जब ये बातें आम हो जाएंगी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इर्फा बिल्लती अहसन, बड़े ही अच्छे अंदाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने बात को वाज़े कर देते हैं, फइदल लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुक, उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा मुहाफिज बन जाएगा, वो ईमान लाए नहीं लाए तुम्हारा मुहाफिज बन जाएगा। ये काम व्याम कर दीजिए, ये असल पैगाम अमल है। पैगाम अमल के तहत जब आप किसी गरीब को खाना दे रहे हैं उसे ये बोलिए छोड़ दी मैं वैंद किस तरह मान लो अल्लाह खुरान चढ़ी मन अंदर नहीं होके जगत द्वारा पुटेर मा सोदर మీరు పస్తుంటే మేము అల్లా జవాబు చెప్పాలి కాబట్టి అన్న మీకు ఇస్తున్నాం అల్లా ఒక్కడే రండి ఇక్కడ బోలియే يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة من شجر شجر في النار محترم عزيز ودوست وزرد وحيو میں یہاں کوئی لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے کر نہیں سکتا دو تین قصہ دیں उसके बाद अपना बात ख़त्म करना है। मुझे यहाँ आने से पहले बात बताई गई कि हमारे दरमियान जितने सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको जमा करके जब भी कोई मसला आता है आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ करने के लिए या जैसे भी मौका होगा उस मौके पर एक दूसरे का साथ देने के लिए हमें जमा होना है। हम मुसलमान मिन हैसुल कौम या कोई भी कौम मिन हैसुल कौम किसी भी कौम की कामयाबी कामरानी इस बात पर मुनहसिर है कि वह कौम मुत्तहिद है या नहीं। अगर मुत्तहिद है तो कौम कामयाब है, अगर मुत्तहिद नहीं है तो कौम नाकाम हो जाती है। हमारी भी यही हालत है, जब तक हम मिलजुल कर कोई मसला और उस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे जमा नहीं होंगे, कौम की अहमियत जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, कौम के तामजों से हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जिस किसी मुसलमान पर जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ पहुँचे दूसरा मुसलमान जो अमन अमान में है वो आदमी अपने अंदर वो दुख और तकलीफ महसूस न करे तो वो मुसलमान ही नहीं है। खतरा खतरा मिलता है तो गिलास बनता है, गिलास से गिलास मिलता है तो जग बनता है, जग से जग मिलता है तो टब बनता है, टब से टब मिलता है तो हौज बनता है, और इसी तरह से
नदी नालियों का पानी जमा होता है तो दरिया बनता है, दरियाओं का पानी जमा होता है तो समंदर बनता है। ये मैं इस बात का सबूत है कि पानी एक दूसरे से मिला हुआ है। पानी का कोई खतरा अलग है तो वो पानी का हिस्सा ही है। हम भी अपने अंदर एक जज्बा, एक शौक, बलबला हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी कौम से दूर हैं और कौम को कहीं भी तकलीफ पहुँचती है या दुख दर्द होता है, वहाँ कोई मुसीबत आती है, तो हमको साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। करीब है तो साथ दें, दूर है तो दूर से दुआएं करें। आज फलस्तीन का मसला बड़ा नाजुक मसला है। मैं इससे ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हम दूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको अपनी दुआओं में शामिल कर लें। वो दुआ ज़्यादा मकबूल होती है, अल्लाह उस दुआ को ज़्यादा कबूल करते हैं जिस दुआ में बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाईतु लहुम मस्ततातुम मिन कुवतिम यहाँ जो सेगा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अमल का सेगा हमेशा मदावमत पर दलील है, इस्तिखरार पर दलील देता है। क्योंकि नमाज का हुक्म जहाँ कहीं है तो नमाज का जो नमाज का वक्त जब जैसे आए वो नमाज फर्ज है। हज के दिनों में हज फर्ज है, साल गुजरने पर ज़कात फ़र्ज है और रमज़ान आने पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, यानी वो वक्त और साथ आने पर वो काम फ़र्ज है। इसी तरह से हमेशा हमको हमारे दुश्मन के मुकाबले में तैयार रहना चाहिए। वो तैयारी क्या क्या है बड़ी तफसील से इस आयत में बताई गई है। यहाँ एक लफ्ज़ आता है मिन कुवा इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका माना है हर किस्म की तैयारी दुश्मन के मुकाबले में होनी चाहिए। मैं तो एक बात बढ़कर आपसे कहूँगा कि आज हमारा ईमान जिहाद न होने की वजह से कमज़ोर है। अगर हमारे पास जिहाद होता तो हमारा ईमान मजबूत होता। हमारे पास ये नहीं है जिसकी वजह से ईमान कमज़ोर है। जहाँ भी आप देखते हैं जिहाद चल रहा है वहाँ बच्चे के अंदर शौक़ और जज्बा है लड़ने का और अपने आप को शहीद करने का, शहीदी मर्तबा पाने का शौक़ जज्बा रहता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जंगे मौता, सरिया मौता हदीस में इस जंग का जिक्र है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दुन, सरिया मौता एक जगह है, वहाँ यह जंग पेश आई। तकरीबन ये मदीने मुनव्वरा से 1100 मील दूर है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारिसा को इसका अमीर बनाया, फिर फरमाया अगर ये शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को बना लेना, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो जाए तो जाफर तैयार को बना देना, अगर ये तीन भी शहीद हो जाए तो आप जिसको चाहे जैसे चाहे अमीर बना। चुनांचे पहले आदमी भी शहीद हो गए, दूसरे भी शहीद हो गए, तीसरे भी शहीद हो गए। लोगों ने हज़रत खालिद इब्न वलीद को अपना अमीर बनाया। जिस वक्त अमानत में आपके काम आया उस वक्त जहर का वक्त था।
हजरत खालिद ने वलीद ने जंग शुरू की, कामयाबी नहीं मिली। रात में जंग बन रहती थी, दिन में जंग होती थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि ये ऐसे नेमत है, उसके बाद प्लान किया जो सीधे तरफ है उनको बाएं तरफ किया, जो बाएं तरफ है उनको सीधे तरफ किया, जो पीछे की तरफ है उनको सामने किया, सामने वालों को पीछे किया। हिकमत आमदी जब बदली और उसके बाद ये जो जंग के लिए लोगों को मुतय्यन किया गया वो 1000 आदमी थे, पीछे 2000 लोगों को तैयार रहने के लिए कहा। अभी जब लड़ते सामने का मुकाबला करते तो पीछे के 2000 आदमी अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर देते, या नारा बुलंद करने की वजह से दुश्मन के हौसले पस्त हो गए और दुश्मन भागने पर मजबूर हो गए। ये तो थोड़े हैं, इनके पीछे कितने हैं ये समझ में नहीं आया, घबरा गए और छोड़कर भाग गए। इस तरह से मुसलमानों को कामयाबी मिली। किसी भी कौम की कामरानी और कामयाबी कौम के मुत्तहिद होने पर है। आपने देखा गायों का, बैलों का या बकरियों का रेवड़ होता है, मंदा होता है, तो उसमें जो बकरी जो गाय अलग हो जाती है उस पर हमला हो जाता है, वो उसके में उसको अपना ये लखमा बना दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम हमारी कौम से अलग होंगे, अलग से एक बात मैं आपको बताऊं, आपको गलत तो नहीं लगेगी, गलत लगेगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, कोई भी काम कोई आदमी करता है तो वो अपने हिसाब से करे और दिखलावे और नामो नमूद और शोहरत के लिए ना करे। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी खराबी इसलिए आई है कि हम सोशल मीडिया का सहारा लेकर हमारी हर बात सोशल मीडिया के जरिए से पहुंचाना चाहते हैं। कौन सी बात पहुंचाना, कौन सी बात नहीं पहुंचाना हमको मालूम नहीं, नादानी बेवकूफ़ी की वजह से हर बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो मुखलिस लोग होते हैं वो अपने काम में लगे हुए रहते हैं और उनके काम में आदमी का काम करते रहना, खिदमत करते रहना खुद उसकी शोहरत के लिए काफ़ी, खुद शोहरत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा खिदमत से खुदा मिलता है। आदमी तने तना जिंदगी गुजारना, अपने बीवी बच्चों का देखभाल कर लेना वो बड़ा आसान काम है, लेकिन चार को लेकर चलना है बड़ा मुश्किल काम है। पड़ोस में पड़ोसियों की क्या हालत है, कौन भूखा है, कौन भूखा सो रहा है और कौन किस हालत में है, ये मालूम करना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर पड़ोसियों का ऐसा हक बताया, मुझे ये अंदेशा होने लगा, ये खतरा होने लगा कि कहीं विरासत में इनको शामिल ना कर। इसलिए हमारे गांव में शुरू ही से एक मसला हमको दरपेश है। हम जब भी कोई सस्पेंस मीटिंग करते हैं और उसमें हमारी अपने कौम के ताल्लुक से बातचीत चलती है, बड़ी बदकिस्मती हमारी यह है कि हमारे लीडरों तक वो बात पहुंचाई जाती है। मैं यह हर वक्त ये मीटिंगों में देख चुका हूं, हमारी बात दूसरों तक पहुंच जाती है तो यहां से हमारे नाकामी है। चार दीवारी में जब तक हम रहे हमारी बात यही रहे, अपने दरमियान में रहे, बाहर अगर चले जाते हैं फोन के जरिए से या किसी भी जरिए से, हम हमारी कौम को कभी भी कामयाब और कामरान नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारी हवा उखड़ जाएगी। जब हवा उखड़ जाएगी तो हम पर हमला करना, असल में अब तक जितने भी लोग
बाहर से या शहर के कहीं से भी हुकूमत कर रहे हैं, ये मुसलमानों को तोड़ो और तोड़कर उनके दरमियान में फूट डालो, फूट डालकर हुकूमत करो। ये पॉलिसी है शुरू ही से, जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी वो लड़ाकर हुकूमत करते थे, इसी तरह से आज भी उसी पॉलिसी पर हमारे पूरे लीडर चल रहे हैं। हर आदमी लीडर के पास जाता है तो अपने भाई की बुराई का बयान करता है अच्छा होने के लिए, हालांकि वो बुरा हो जाता है। ये बयान करता है, इसके पीछे उसे मौका मिला तो वो बयान करता है। ये हमारे अंदर ये खराबियां हैं, ये खराबियां जब तक नहीं जाएंगी गांवों का कोई भी मसले में, किसी भी मसले में हम सही माने में खिदमत नहीं कर सकते। मिलजुल कर काम करना, हमारे वालिद रहमा कहा करते थे कि मिलजुल कर काम करना बड़ा मुश्किल है क्यों हमारे गांव में। इसके लिए मैंने बहुत सी कोशिशें कर ली और बहुत से इसके लिए काम कर लिए। मैं आपकी हवा निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं पसीमत करना नहीं चाहता हूँ। जब भी किसी भी मामले में कोई कमेटी कोई चीज बनती है तो वो चंद दिन की मेहमान रहती है, फिर उसके बाद वो कमेटी वाले और कमेटी कहाँ से कैसे गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता, आई थी चलेगी। अगर इस तरह से मामला चलता रहा, इस तरह से होता रहा तो हम जितनी भी कोशिश है वो खराब बेकार हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ इतने लोगों को जमा करके इज्तिमाई शादियां करने की कोशिश की गई, कोशिश में एक हद तक हम कामयाब रहे। उसके बाद कमेटी फूट गई, टूट गई और उसके बाद दूसरी कमेटी शुरू हुई और वो काम कर रही है, अल्लाह ताला के वो काम चलता रहे। हमारे पास सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम अगर जब भी जमा हो एक कलमे की बुनियाद पे जमा हो, एक कलमे की बुनियाद पे जमा हो और फला जमात का फला से ताल्लुक रखने वाले का इसका हिसाब किताब तो अल्लाह के पास हो, न आप उसकी खबर में जाएंगे न वो आपकी खबर में आएगा। हिसाब किताब गलत सही का फैसला अल्लाह करेंगे, सही फैसला तो क़यामत के ही दिन ही होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सबसे पहले काम यह किया, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैया व ला यत्तखिज़ बअ'दुना बअ'दन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अहले किताब वो भी अल्लाह को मानते थे, हम भी अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जिस बात को मानते हैं आप भी जिस बात को मानते हैं उस बात पर मुत्तहिद हो जाते। आज बदकिस्मती से मुसलमानों में इतनी जमातें, इतने टुकड़ियां, इतने फिरके बन गए जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। बुनियादुल तालिबीन ने पहले ही हजरत औसेफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र कर दिया कि इतनी जमातें। हमारे वालिद रहमा कहा करते थे, किताबें आप पढ़ें तो बात मालूम होगी कि सिर्फ शिया में 40 फिरके हैं, शिया में 40 फिरके हैं। अभी ये इनमें कौन फिरका कामयाब होगा कौन नाकाम होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मान अलैहि वसहाबी, और मेरे मैं और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं यही लोग कामयाब। अगर उस रास्ते से हट गए तो हमारी भी कामयाबी कोई गारंटी नहीं, हम कामयाब होंगे अल्लाह उसके रसूल के और सहाबा के रास्ते को छोड़कर ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आप हजरात से दीन की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, और हमारा नबी भी एक, हमारा काबा भी एक और हमारा किताब हमारी किताब भी एक, इन बातों पर अगर हम मुत्तहिद हो गए तो बस काफी है। अगर हम इन बातों पर मुत्तहिद नहीं होते हैं तो हमारी हालत यह होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमेशा अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है, जमात। और जो जमात से हट जाता है वो हट जाने की वजह से जहन्नम में कट कर गिरे,
शुज्जा का भी लफ्ज आया हदीस में, शज्जा का भी लफ्ज आया। मैं इसकी तशरीह वगैरह में ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जब तक हम मुत्तहिद और जब तक हम एक मसले में दूसरे मसले में कौम के मसले में खास तौर पर इकट्ठा नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे, अल्लाह हमको कभी बख्शेगा नहीं। कौम के मामले में हमारे इख्तलाफ सौ हों, लेकिन कौम के मामले में जब भी कोई मामला पेश आता है, कोई ज़रूरत पेश आती है, कोई हाजत पेश आती है, तो सब एक हो जाए, इसी में हमारी भलाई है। ये पार्टी का वो पार्टी का, आज हमारे गांव में यही फितना फसाद हो गया, ये पार्टी वाला था वो पार्टी वाला था, आपस में मुसलमान लड़ के मर रहे, एक दूसरे से हिसाब किताब करने शुरू कर दिए। अल्लाह बचाए हमारे शहर को और शहर वालों पर अल्लाह खुसूस रहमत बरकत नाजिल फरमाए। ये मसला शुरू हो गया, गांव में फितना शुरू हो गया, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेंगे आपको। ये इस फितने से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पार्टी को एक जगह रख दें और पहले आप क्या हैं मुसलमान, और मुसलमान भाई को मारता है तो मैं अक्ल मुमिन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, उसकी मगफिरत ही नहीं होगी। हमेशा हमें जन्म जाने के बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं। गुनाहगार बंदा है तो उसकी किसी की सिफारिश की वजह से उसकी मगफिरत हो सकती है, आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे भी गुनाहगार होगा वो अपने उम्मत के लिए सिफारिश करके उसको जहन्नम से निकालें। लेकिन ये बात गुनाह ऐसे हैं जो जहन्नम के बाद जहन्नम में जाने के बाद भी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है, आप हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं लंबी बात नहीं कर सकता और जोश जज्बे में भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तबीयत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कौम के मामले में कलमे की बुनियाद पर अल्लाह उसके रसूल के सहाबा जिस रास्ते पर चले थे उस रास्ते पर चल कर हम कामयाबी दुनिया और आखिरत में पा सकते हैं, उसी रास्ते पे चले। उससे हटकर अगर हम चलेंगे तो हमारी कामयाबी नहीं हो सकती, ना दुनिया में हम सफल होंगे ना आखिरत में कामयाब होंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को जब भी जिस वक्त भी बुलाया जाए, हमारे वालिद रहमा जब तक थे एक आवाज़ पे लोग जमा हो जाते हैं। आज हमारे दरमियान में और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर कर आदमियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न किसी से लेना देना है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कौम के मामले में इकट्ठा हो जाए, कौम के मामले में जमा हो जाए और कौम को जो भी मसला पेश आए आपस में मिलजुल कर बैठ कर उस मसले को हल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। राय रखते हुए उस पर अपने प्लानिंग करते हुए उसे डैमेज करने की तरफ जो कोशिश होती वो कोशिश उस आदमी की कोई लॉस नहीं होती, वो पूरे इस्लाम का लॉस हो जाता। हम लोगों को वाकई मशहूर मालूम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते हैं जो अल्लाह वही नाज़िल करता है। जंग बहुत के मौके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करते हैं कि हम जो है मदीना शहर में रोकर दुश्मन का सामना करेंगे, मदीना शहर में रोकर रहकर दुश्मन का सामना करेंगे। मुनाफिकी बुत रखने के बाद वहां पर जो है मकामी एमएलए मुसलमान नहीं वोट डाले बोलकर उसका अकीदा है, ये लोग तेलुगु मुस्लिम भाई आए लड़ा बिरादरा, ये जाकर उसने बोलिए तो भी चट्टन तरफ पड़िए उसको टुंडी का, जैसे आवाज दे उसके बाद कलेक्टर कन गए उसे डराए कि हजारों की तादाद में रोड पे आएंगे फिर जो मसला होगा तू जिम्मेदार होगा, फौरन वहां आर्टिकल 165 के तहत तू उसे पाबंदी लगा दे
वरना तू 376 आर्टिकल तोड़ने बगैर आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी भी मसले में आपको इत्तेफाक नहीं है तो आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उसे मैं बताया ये प्रोटेस्ट आपको उठावा राज्यांगन विद्रेकंगा अरेस्ट చేస్తాం జీ రేప్ చూడపోయో సార్ లేదు నా నువ్వు ఏదో చేయబోతున్నావు అంట నేను ఏది చేయడంగా నీకు ఎవరు చెప్పాడు నేను చెప్తే చెప్పి చేస్తా ఈరోజు చేస్తానని చెప్పి చేస్తా నీకు భయపడి వారికి భయపడి నేను చేయను కానీ నాకెవడు కావాలో వచ్చిన్నాడు ఉసి బాధ సే బ్లాక్ కర్ దియో బ్లాక్ టీమ్ వార్నింగ్ కర్ దియే దుబారా ఇస్ తరహ సే హోగా తో మామలా తయ కర్ దే तो याद रखिए मेरे भाई अल्लाह को राजी करने के लिए जिए। किसी हिंदू राजा को बादशाह को राजी करने से कोई जन्नत नहीं मिलती। आप किसी आलिम की इत्तिबा करते हैं तो वो रसूल की इत्तिबा है क्योंकि वो अंबिया के वारिस हैं। कोई रेड्डी नायडू पुल्लागाडू पुल्लैया कोई भी ये किसी के वारिस नहीं हो सकते। हाँ उनकी तरफ अगर कोई काम करना है जाओ दमहर उनके साथ बिरयानी बांटते हो उनके साथ खाना बांटते हो भाई तेरा रब ये तुझे पैदा करे सोना तू बनाया सोना तेरा खुदा ने ये बोलो इसका खड़ा हो जाता तेरे लिए रहमत मेरे रसूल है उनके रास्ते पर आजा तेरे लिए हिदायत। अगर इस तरह से नहीं है कामों के अंदर इख्तलाफात लाएंगे तो ऐसा होगा कि एक दूसरे को कटाने के बाद बचे हुए को वो मार देंगे कटा देंगे बचे हुए को मार देंगे। हजरत को याद होगा हजरत की उम्र बड़ी है मेरे साथ भी उम्र वाले ही 1969 में पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई वो मीटिंग जुल्फकार अली भुट्टो साहब चलाए थे शाह फैजल साहब मौजूद थे सद्दाम हुसैन थे और गद्दाफी थे मुख्तलिफ लीडर्स थे। जैसे ही वहाँ बैठे हुए मुनाफिकीन अपने बाप अमेरिका को इत्तला दे दिए कि ये सब लीड ले रहे हैं कि ये सब मिलकर एक इस्लामी तंजीम बनाना चाहते हैं मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे अपने वखार को ये नीचा कर देंगे क्रिश्चियनिटी जो क्रुसेडर वार है क्रुसेडर वार क्या तुमको नहीं मालूम होता सुलेबी जंग बोलते हैं जो लोग दीनी मजलिसों से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं इसे ख़त्म करना चाहते हैं बोलते पहले भुट्टो के खिलाफ वहाद बना दिए चमचों को ले आए उनको फांसी दे दिए फिर शाह फैजल को भतीजे के हाथ मारने लगा दिए फिर सद्दाम फिर गद्दाफी और जितने भी लीडर्स हैं सबको पूरे तरह ख़त्म कर दिए। किसकी वजह से मुनाफिकों की वजह से मुनाफिक इख्तलाफात डालने की वजह से आज कंट्रीज कंट्रीज बनाकर तुम्हें टुकड़े बना दिए है। ये कलमे की बुनियाद पर फलस्तीन के ताल्लुक से पूरे मुत्तहिद होकर इसराइल पर अगर पेशाब भी कर दे तो उस पेशाब में इसराइल दिखता नहीं लेकिन हिम्मत नहीं है इत्तेहाद नहीं है और मुख्तलिफ तरफ से जो प्लानिंग होती है शिकार हो जाकर एक दूसरे को मारने की तरफ मुतवज्जा है। सोचिए मेरे भाइयों इन हालात के अंदर इत्तेहाद की लहर दौड़ाइए और दावत के जरिए से इस्लाम की लहर दौड़ाइए क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन नाफिस हो तभी चमन होगा इंसानों के बनाए हुए दस्तूर से नहीं हो सकता। तो मुझे और आपको अल्लाह सुभानहू व तआला अल्लाह के लिए एक दूसरे के मसाइल पर माफ करने वाला मादा दे अफू और दरगुजर वाला मादा दे किसी की कमजोरी पर उंगली उठाकर उसे बेइज्जत करने वाले नहीं लेकिन उसकी खूबी बताते हुए उसे हिम्मत अफजाई करने वाली अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة। मैं सबसे पहले उस रब कायनात वहदहु ला शरीक ला लहुल हम्द व लहुल मुल्क के लिए हमदो सना बयान करना चाहता हूँ जिस रब कायनात ने हमें एक ऐसी महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई जहाँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की कुछ बातें कुछ अहम नौजवानों में कौम मिल्लत के दर्द रखने वाले नौजवानों के दरमियान हमें कुछ बोलने का एक मौका अता फरमाया और अल्लाह का ये भी शुक्र एहसान है
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, कौम के लीडरों ने, यहाँ मुख्तलिफ एसोसिएशन चलाने वाले नौजवान ने इस्लाम को जमा करने की जो कोशिशें की हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम के दीन और दुनिया कामयाबी और कामरानी इन्हीं कदम चूमने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे वक्त 5 मिनट ही का दिया गया है, जज़ाकअल्लाह खैर। सिर्फ 2-3 जुमले ही आपके गोशे गुजार करते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। इस्लाम का एक फंडामेंटल एक उसूल ये है, इस्लामी एक अहम नुक्ता मैं आपकी तरफ इशारा करते हुए चलूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह सारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए 2 हुकूक हमारे सामने मौजूद हैं। एक हक है हुकूकुल्लाह, जो अल्लाह का हक है, बंदगी, रियाजत, हज, खैरात, ज़कात, ये जो इबादत हैं, यानी हज, उम्रे वगैरह वगैरह, अल्लाह की इबादत वो रियाजत, अल्लाह के हुकूक, एक हक है। और एक हक है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों का हक है। चलिए कुरान मजीद ने सूरे कुरान मजीद के इस आयत के अंदर जो मैं आपके सामने इशारा किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सराहतन कह रहा है, वो इस अखज़ना मीसाका बनी इसराइला ला ताबुदूना इल्लल्लाह, हमने बनी इसराइल को अहद लिया है, ये एग्रीमेंट लिया है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। यहाँ तौहीद का दरस दिया जा रहा है, लिल्लाहियत का दरस दिया जा रहा है, तौहीद के शमे परवानों को जन्म देने की तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है। शिर्क का खातिमा है, तौहीद का बोलवाला है, ये खुली बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुकूक के साथ ही साथ वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी आप करते रहे, एहसान उनके साथ करते रहे। यहां देखिए बंदों के हक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के हक के साथ अब अल्लाह के बंदों के हुकूक को जोड़ दिया है। वज़ीर क़ुरबा, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, यहां खिदमत खल्क की तरफ इशारा है इस आयत के अंदर। खिदमत खल्क, जिस तरह आज हमारे सोसाइटीज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, वेलफेयर वर्क, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के आने से पहले हिल्फुल फुजूल तमाम उलमाए किराम, जो अहले इल्म हैं, जो सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हैं, सारे जानते हैं, एक कमिटी बनाई गई थी जिसे आज अंग्रेजी में कहा जा सकता है वेलफेयर सोसाइटी। इसका क्या मकसद था? गरीबी, गुरबा, यतामा, मसाकीन, जिन जिन लोगों की जो जो हाजतें हैं, जो जो जरूरियात हैं, जरूरियात जिंदगी को पूरा करना, अल्लाह के नबी की नबूवत के बनने से पहले ही इस कमेटी को अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है इसको जो लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन कुरान मजीद की इस आयत से मैं तमाम हमारे नौजवानों को, जितने भी आज एसोसिएशन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सोसाइटीज जो भी खिदमतें कर रहे हैं, जरूर याद रख लें, ये हमारा बंदों का हक है, हमारा बंदों का हक है। बंदों के हक में अगर कुछ कमी पेशी हो रही है, माँ बाप के साथ, गुरबा के साथ, यतामा के साथ, बेवाओं के साथ, और जो मिस्किनों के साथ है, अल्लाह के उन बंदों और बंदियों के साथ जो हकदार है, गुरबत में है, मुफलसी में है, अगर उनका हक अदा नहीं कर रहे हैं, याद रख लो आप जरूर पकड़े जाएंगे। अल्लाह, सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के हक में अगर कुछ कमी पेशी हो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के बंदों के हक में अगर कोई कमी पेशी हो रही है तो माफी नहीं है। आखिरी नुक्ता कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। तमाम हमारे जिम्मेदारान सोसाइटी से मेरे तरफ से एक अपील ये है कि हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है, ये जरूर आप जान ले कि हमारा पैसा किन किन लोगों के लिए, किन किन जगहों में, किन किन हालात में खर्च हो रहा है, किस जगह पर हमारा पैसा खर्च होना चाहिए। स्कूलों के लिए, मदारिस इस्लामिया के लिए, सोसाइटी के तमाम प्रेसिडेंट से, ट्रेजरर से और सेक्रेटरी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, इस दौर, ये एक ऐसा दौर है,
ये इल्मी चैलेंज का दौर है। आज जरूरी है कि जितने भी हमारे यतामा जो बच्चे हैं, यतीम जो बच्चे हैं, गुरबा के जो बच्चे हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्सेस नहीं है, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन बच्चों को लिस्ट आउट तैयार कीजिए, इन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद इन लोगों पर स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इस्लामी मदारिस के लिए, मकातिब इस्लामिया के लिए अपना पैसा खर्च करें। और एक गुजारिश ये भी है, तुम्हारे बाड़ी में अगर कोई अहले इल्म नहीं है, मौली साहब नहीं है, मैं गुजारिश करता हूं कि जरूर आप अपने बाड़ी में, ऋषिशर बाड़ी में या फिर अपने सलाह की जो मशहूरी हो, जो आपकी जो बाड़ी होती है, मजलिस शूरा जिसे कहा जाता है, कैबिनेट जिसे कहा जाता है, किसी एक आलिम को अपने खानदान के हो, अपने इलाके के हो, अपने गांव के हो, जरूर रखें ताकि आपको सही गढ़ देने में फायदेमंद साबित होता है। अल्लाह से दुआ करता हूं और कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे यहां जो मौका दिए हैं, जो एक अच्छा मौका मिला है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक भी हमें दुनिया में मौला, हमारी कौम व मिल्लत के लिए हमारे वक्त को, हमारे दिमाग को, हमारे पैसे को, हमारे मशवरों को जो है खर्च करने की हमें तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना, अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना, अलिफ बैना कुलूबिना, व अस्लिह ज़ाता बैनिना, आमीन, व हदिना सुबुलस सलाम, आमीन, व नजिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, आमीन। اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا شاكرين النعمه مسنين عليها قابليها واتمها علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تفسد علينا، اللهم وردنا رضي وارض عنا، هدينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات واتباع السنن سيد الموجودة والاجتناب عن المحدثات، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله ہمارے یہاں جمع ہونے کو جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے، ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اس مقصد میں پوری پوری کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ قوم کے مسئلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور دین نام شریعت کے بھی اللہ مسائل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کے مدد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری قوم اس وقت جتنا اسلام اور دین سے دور ہیں انہیں قریب کرنے اور قریب لانے کی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیرے حقوق ادا کرنے کی اور ساتھ ساتھ تیرے بندوں کے بھی حقوق پورے پورے ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہماری پوری سوسائٹیوں میں اور جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں ان میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ اللہ ہمارے آفاق کی زمین جائیداد کی کوئی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے آفاق زمین جائیداد کی اللہ تو حفاظت، آمین۔ ہمارے مدارس کی حفاظت، آمین۔ مراکز دینیہ کی حفاظت، آمین۔ ہمارے مخابر کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ جتنے بھی ہمارے اللہ مسائل ہیں تو ہی مسائل کا حل کرنے والا ہے، بے شک ہمارے مسائل آسانی سے حل کر دے، آمین۔ اللہ ہمارے اندر خلوص اور الہیت پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تو ہماری اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ اس چھوٹی پھوٹی دعا کو محض تیرے نبی کے صدقے کے فعل میں قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا ما کان صالحا واصلح لنا ما کان فاسدا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین۔ وتب علينا انك انت
एक ही बात है दावत पे आए अल्लाह आपको जजाया खैर दे। इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह शेर रायचूटी के लिए खिदमत करेंगे, खिदमत हल करते रहेंगे। बाबू साहब का सम्मान जनाब निज़ाम साहब हमारे एहसान भाई साहब को शाल पोशी की जा रही है। जिला हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। हाँ ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा वो वही का है बाबू साहब का। हाँ वहाँ जाए जनाब इरशाद अहमद खान साहब, ये कौम की बहुत फिक्र रखते हैं और कौम के दर्दमंद भी हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन। हाँ निजाम ने हाथ पकड़ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, मुस्कुरा हूँ। हाँ ओके अल्लाह ताला इनके जान में माल में और तरक्की अता फरमाए। इनके खिदमत से इस शहर के अंदर गरीबों की मदद करने के और रास्ते खोले। आमीन। ओके अल्लाह ताला इनको उस हाल में विजयवाड़ा को जाकर इन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दिए। बारिश में किसी को पता ही नहीं सरकार चले गए, बोलते तो हमें भी साथ जाते। बहुत गहरी सोच है इनकी भी, अंदर से खिदमत का जज्बा भी। अल्लाह इनकी खिदमत को खुद ही फरमाए, इनको समाज आफियत अता फरमाए। मुजफ्फर अली साहब इनके बारे में तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। इनकी स्कूल तकरीबन 120 साल से चल रही है, महबूब साहब स्कूल। अल्लाह उनके उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। जब मैं मुजफ्फर अली साहब को जाहिर किया, सर मैं इधर मकतब शुरू करना चाहता हूँ, बस सर सोचने क्या भी नहीं, बस समाओ मोड़ी साहब में दिला दूँ कीड़ी बोल कर बोले। आज जाते नहीं कि फौरन कीड़ी थमा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोले जाओ हाफिज साहब आप खिदमत करो, मैं आपके साथ हूँ पीछे हूँ बोलकर। मैं इनकी बात उनके बोलने के लिए ज़ुबान में मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। मैं दुआएं करता हूं बस अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए, इनके बड़े लोगों को जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। गाँव में सोसाइटीज़ बहुत सारे हैं, 15-20 सोसाइटी हैं, पूरे नौजवान हैं। हमको ले को चलने के लिए एक बड़े की ज़रूरत है जो जिम्मेदारी से फारिग हो चुका हो, जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं हो। रिटायर्ड टीचर्स, रिटायर्ड SI हंदे, MRO हंदे, टीचर्स हंदे,
कौन तो रिटायर्ड पर्सन था ना मैं काम है मैं भाग को चल जाता हूँ गले वाला नहीं सर का हर सोसाइटी के फर्जन से इनसे इनका ताल्लुक है हर सोसाइटी के अंदर इनको जानते हैं अल्लाह ताला इनके अहबाब को कबूल फरमाए इनके जान में माल में और बरकत अता फरमाए आमीन कहाँ जाएंगे पेपर आने वाला सर्टिफिकेट आने वाला कहाँ बहू भाई जरा हाथ लगाओ जिलान भाई हो हाँ माँ ओके माशाल्लाह कहाँ निजामदा हूँ बिल्ले था ये नौजवान इनके अंदर भी बड़ी तड़प है जोश है हम तो अच्छी बच्ची देखो शादी करा लेता हूँ जोश गीत पूरा खत्म हो गया था हम तो अच्छी बच्ची है तो बोलो जितना है उससे ज्यादा जोश है लिमिट ना है जोश का थाटे मारता है समंदर की तरह ऊपर तो ना समुद्र नौजवान जर्नलिस्ट का भी होने की जरूरत है बता बोले पीछे चले पीछे चले दो निजामदा डर रहा हूँ जिनका संस्था का नाम है हेल्पिंग हैंड्स इन्हें भी नौजवान से कुंवारी से भी है इनको भी काम तो भी देखो इंशाल्लाह डॉक्टर ने भी दिया जिम्मेदार साथी भी मोहम्मद अली भाई उसमें भी अंदर हमारे आरिफ भाई भी इंशाल्लाह और दुआ की दरखास्त से जैसा हमारे भाई बोली इस तरह कयामत तक करने की तौफीक अता फरमाइए ये जरिया फाउंडेशन क्या तो मसला है तो मुफ्ती साहब की बनना जरूरत है ए बच्चे आ जाओ ए वो भैया आप भी आ जाओ नहीं आ जाओ नहीं आपका भी नाम सोसाइटी में आ जाओ फयाज भाई आ जाओ आ जाओ ये भी स्टूडेंट कम्युनिस्ट माइंडसेट के आदमी पीटी ट्रेनिंग देती है बच्चों को भाई हाँ बीच में पकड़ लिया हाथा पकड़ लेना सारे साथियों से दरख्वास्त है खाना खाए बगैर कोई नहीं जाए प्लीज पूरा खाना जाया होगा वेस्ट होगा कहाँ जिलाना हाँ होगा हजार बच्चों का एक पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट वो प्रोग्राम भी होने वाला है जिसमें वो एग्जाम में कौन पास होती है उनको प्राइज भी दिया जाएगा बहुत अच्छे शख्सियत है जनाब मोहम्मद अली सरदार साहब कहाँ है देखो जरा मुस्कुरा दो उर्दू के बहुत अच्छे ख्वाहिशमंद भी हैं नौजवान भी हैं सदा मी से बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह कहाँ जिलांदा देखता हाँ क्या भाई अन्य क्यों हो गया कहाँ नियामत भाई हाँ मुस्कुरा 100% कहाँ कहाँ है ना फरहान भाई जरा साथ दियो जरा साथ दियो जरा आ जाओ जरा डालो डालो हाँ डालो उम्मत की फिक्र में लगे रहते हैं लेकिन बाहर नहीं दिखते बहुत हसन भाई आ जाओ
कहाँ निजाम भाई? ये दुनिया और आखिरत के दोनों की फिक्र रखते हैं। अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल फरमाए। सोसाइटी राय जो अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल फरमाए। कहाँ देखो जी फरहान भाई, कहाँ देखो कहाँ निजाम भाई हम बोल लो कहाँ माशाल्लाह मावार तालियों में आ रहा है। PRN टीवी टुडे रायचूटी न्यूज़ तंदूरी खाऊं का काम होता तो पहले हाजिर हुआ था। और उनके साथ जनाब मस्तान साहब मस्तान सहलपाठी, इन्होंने भी बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए, वो तशरीफ लाए। जनाब मस्तान साहब मस्तान अन्ना इकड़ उंडे बाबजी इकड़ उंटाडो अंदुकोसम इधर की कलिपि सन्मानं फरहान भाई हाथ देदा कम दालो दालने वाले फरहान फरगो PRN टीवी लोकल चैनल तू पकड़ रहा है खास बीच में रखो जी खतरा हुआ मैं और एक शख्स अब्दुल खादर साहब जो कोई से वो मेहरबानी किसकी शान होना जतन से रख लीजिए मिस हो जाएगा। रमजान में भी बहुत सारे खिदमत किए हैं, जब भी खिदमत का मसला आ जाता है आगे आ जाता है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये पड़ोसी हैं, कभी भी खिदमत के लिए आ जाते हैं। जजाक अल्लाह खैरन, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत और बरकत अता फरमाए। अब मैं जब अनुन से बोल रहा हूं आमीन आमीन रायचूटी की अंग्रेजी बुलेट है ऐसे नॉलेज पर्सन की बहुत सख्त जरूरत है। हम NRC में बहुत काम कर रहे हैं ना। बारिश पड़ती है उस वक्त कसरत के साथ दुआ पढ़नी चाहिए। तमाम भाई एक मर्तबा दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अग़िथना ग़ैथम मुग़ीथा हनीअम मरीअन मुरीआ नाफ़िअन ग़ैर ज़ार आजिलन ग़ैर आजिल अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअन। Thank you.
गांव में 14 से 15 सोसाइटियां ही हुए, हर सोसाइटी से दो अध्ययन गया काम हमें शुरू करेंगे हमें कई जाना करने की बात चल जाती है। हर सोसाइटी से दो अध्ययन मिला को 15 ही 15 तो 30 अध्ययन होते हैं। अब रीजन से ओपोर्ट का मसला आया, स्कैनिंग करने का मसला आया, तो थाने के पास आपको 3 दिन टेंट डालने को बैठे। कितने सोसाइटियाँ हैं कि एक सोसाइटी वाली कहीं नहीं है, कहीं कोई नहीं है, तो बोले तो शुरू करे सो आपको दूसरे हमें शुरू करेंगे नहीं, हमें कहीं जाना काम हमें शुरू करेंगे तो हमें जेल में करने की दिल में तड़प होती है, उसको एक सोसाइटी वाली कहीं नहीं है। ये कमी को दूर करने के खातिर हर सोसाइटी